हेलो, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं। तो आपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी, जिसमें क्या होता था, आयंस जो हैं आपस में क्या हो जाते थे, एक्सचेंज हो जाते थे। ठीक है, तो अगर मैं पहले आपको रिएक्शन दिखाऊं, फिर प्रैक्टिकल करेंगे हम इसको, एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारी रिएक्शन है। इसमें क्या है, इसमें है कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो टेबल सोल्ट होता है आपका, वो एक्वा सोल्यूशन में है। तो एक्वा सोल्यूशन में जब वो यानी कि एक्वा सोल्यूशन मतलब पानी में डिजोल्व कर रखा है, तो पानी में डिजोल्व करते हैं तो वो कलरलेस रहता है। सिमिलरली AgNO3 का एक्वा सोल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन भी कलरलेस होता है। जैसे ही NaCl और AgNO3 को मिलाते हैं, तुरंत मिलाते ही इमीडिएटली व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट अपियर हो जाएंगे, यानी कि जो सोल्यूशन है मिलाने के बाद व्हाइट कलर का बन जाएगा और वहां पर सॉलिड व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। किसके? सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं। और NaNO3 का रहता है सोल्यूशन में रहता है, वो तो डिजोल्व हो जाता है। तो रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहां पर Na पॉजिटिव और Ag पॉजिटिव आपस में क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो बार डिस्प्लेसमेंट हुई है। इसी रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि किसकी फॉर्मेशन है, यहां पर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई है। तो ऑब्जर्वेशन रहेंगी रिएक्शन की। सीबीएसई ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि रिएक्शन का नाम बता दो, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली आ जाता है ये एग्जांपल देना पड़ेगा, या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ जाता है तो ये एग्जांपल देना पड़ेगा, या रिएक्शन दे देगा, पूछेगा ऑब्जर्वेशन बताओ। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट ऑफ द सिल्वर क्लोराइड आर फॉर्म्ड, जो कहां पर सेटल डाउन हो जाएंगे, बॉटम पर सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हमारी थ्योरेटिकल था, प्रैक्टिकल देखते हैं इसको। तो ये मैंने वाटर ले रखा है, इसमें ये हमारा क्या है, सिंपल टेबल सॉल्ट जो सभी ने देखा है। टेबल सॉल्ट को इसमें मिला रहा हूं, यानी कि इसका सॉल्यूशन बना रहा हूं। ठीक है, तो इसको जैसे ही डिजोल्व करेंगे तो कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा इसका। ये हमारा कलरलेस सॉल्यूशन इसका फॉर्म हो गया है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें हमारा सिल्वर नाइट्रेट, ध्यान से देखोगे इसको, ये क्या हमारा सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है ये, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन। इसको अगर मैं निकाल लूं, ओके, तो मैंने ये बड़े वाले टेस्ट ट्यूब में निकाल लेते हैं, ये वाले जो लंबे वाले होते हैं क्या होती हैं, पर्सनली यानी कि टेस्ट ट्यूब। तो ये भी आप देख रहे हो कैसा सोल्यूशन है, कलरलेस सोल्यूशन है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर इस टेस्ट ट्यूब में लूँ मैं, इस टेस्ट ट्यूब में लेते हैं इसको, मिला दो, फिलहाल कुछ नहीं मिलाया है, सिंपल मैंने क्या लिया है, AgNO3 का सोल्यूशन लिया है। आप सभी को दिख रहा है कलरलेस सोल्यूशन है। और इसमें क्या था हमारा, सोडियम क्लोराइड। जैसे ही सोडियम क्लोराइड को इसमें मिलाऊंगा, व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो जाएगी इमीडिएटली, आप मिलाते ही देखना। यस, देखो सोल्यूशन कैसा हो गया, व्हाइट कलर का बन गया है। तो इसमें क्या रिएक्शन हुई, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, AgCl की फॉर्मेशन हुई, सिल्वर क्लोराइड इनके AgCl वाटर में इनसोल्युबल होता है, जिसकी वजह से व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हुई। अगर इसमें इसमें भी मिलाकर दिखाऊं, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा लिया मैंने, तो प्योर जो आपका कैसा है, ये ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है। लेकिन जैसे इसमें एक ड्रॉप भी मिलाता हूँ अगर NaCl की, तो देखो एक ड्रॉप मिलाने पर भी व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो गई है। ज़्यादा मिलाऊंगा तो ऑब्वियसली, अगर इसको मैं सेंट्रीफ्यूज करता हूँ, सेंट्रीफ्यूगेशन करता हूँ, तो सॉलिड ऐसे ऐसे सॉलिड कलर के प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएंगे। तो दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।